देख, हेलो दोस्तों, कामत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पेड़ा बना के बताऊंगी। देखिए, मैदा का पेड़ा जो कि खाने में बहुत ही आसान होता है, सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। चलिए हम मैदे का पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं खोया बना रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया था 1 लीटर दूध, और जिसको मैंने 30 मिनट पका लिया है। देखिए, हमारा खोया बन रहा है। क्योंकि मैं कभी भी मिठाई बनाती हूँ ना, तो मैं खोया बाहर से नहीं लाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया था 1 लीटर, और देखिए इसका हमारा 1 कटोरी जितना खोया बन के तैयार है। मैं आपको मैदे का पेड़ा बना के बताऊँगी, खोया और मैदे का पेड़ा। देखिए, मैंने 1 किलो दूध में खोया बना लिया है। मैं दिवाली पे आपको मैदे की और खोए की वो पेड़ा बना के बताऊँगी। देखिए, मैं गैस बंद कर दी। देखिए दोस्तों, मैं मैदे का वो बना के बताऊँगी आपको पेड़ा, मैदे का, और दूध से मैंने खोया बना लिया है 1 कटोरी उसका। देखिए, मैं इसमें ले ली हूँ 1 छोटे कप से 1 कप घी, देसी घी, जो भी घी हो आपके पास आप ले लें। देखिए, मैंने घी को गर्म होने रख दिया है। देखिए, हमारा जो घी है ना, बहुत अच्छे से हमें गर्म नहीं करना है इसको, बस हल्का सा गर्म करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 छोटी कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा। देखिए, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और हमें देसी घी में अच्छे से इसको भूनना है। गैस को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, और बहुत अच्छे से हमें इसको भूनना है। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप दूध, वो 1 कप घी लिया था 1 छोटे कप से। जैसे जैसे ये मैदा हमारा भुनेगा ना, इसमें से अपने आप घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत आसान होता है ये मैदे का वो मैदे का पेड़ा, और खाने में तो बहुत ही मुंह में ऐसे घुल जाएगा, बहुत ही आसान होता है। आप दिवाली पे ज़रूर बनाएं। ये तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मार्केट का तो वैसे भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के सीज़न में जो रखी हुई मिठाइयाँ होती है वही बेचते हैं, इसलिए ताज़ा बनाएं, फ्रेश मिठाई घर पे। देखिए, 5 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको भूनने में मैदे को। दोस्तों, पता है आपको मेरी क्या हालत हो रही है? मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जतिन को तो बहुत पसंद है दोस्तों ये मैवे का वो पेड़ा, आप भी जरूर बनाएं अपने बच्चों के लिए दिवाली पे। देखिए, मैदा भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, 5 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन ये होता जा रहा है एकदम। इसको हमें 1 मिनट और भूनना है। गैस को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, इसमें से अपने आप घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आपको जो भी कलर पसंद हो मिठाई में आप वो डाल सकते हैं। वैसे फूड कलर हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1 पिंच डालूँगी। मैं यहाँ ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, आपको जो कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं। ऑरेंज कलर वाली क्या मिठाई है ये? ऑरेंज कलर वाली बेटा पेड़ा बनेगा, हल्का सा डाल रही हूँ मैं। देखिए, अपने आप मैदे में से देखिए कैसे मैदा हमारा पिघलने लगा है। देखिए, क्योंकि इसमें से अपने आप ये अच्छे से भून चुका है, और घी निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, हमारा मैदा अच्छे से भून चुका है। मैं गैस को बंद कर दूंगी, और इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए, हमने मैदे को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लिया है। ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना, ये अपने आप सूख जाएगा। इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है ठंडी जगह पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, ये जो हमारा मैदा गरम है ना, कभी भी गरम मैदे में या गरम किसी भी इसमें ना चीनी नहीं डालें, क्योंकि चीनी ना फिर पिघल जाएगी, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा हमारा वो पेड़ा। हमें क्या करना है ना, इसे ठंडा करके फिर इसमें चीनी मिलाना है। देखिए, हमारा जो बेसन है ना ठंडा हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच इतना इलायची पाउडर। देखिए, मैं यहाँ पे 1 चम्मच इतना इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसमें मैं ये जो मैं मावा बना के रखी थी ना, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब, देखना हमारा जो मिठाई है ना, ये पेड़ा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसको भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। मैं अच्छे से हाथ को साफ करके मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से हमारा ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है और सूख चुका है। देखिए कितना लाजवाब हमारा ये बनके
तैयार है। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसमें मैं डालूंगी चीनी। देखिए मैं यहाँ पे एक कप जितना चीनी, मैं यानी कि मैं 100 ग्राम चीनी ले रही हूँ और उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है देखिए, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप अपने मीठे के अनुसार ले सकते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए मैं आपको पेड़ा बना के बताऊँगी, बहुत ही बढ़िया ये पेड़ा बनेगा, दिवाली पे आप ज़रूर बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। देखिए देखिए हमारा पेड़ा कितना बढ़िया बनके तैयार है। इस तरीके से मैं दूसरा बनाऊंगी, आप चाहे तो छोटा बड़ा जैसे भी आपको पसंद है आप रख सकते हैं। देखिए मैंने दूसरा भी बना लिया, मैं तीसरा बना रही हूँ। आपको जैसे भी शेप में पसंद है आप बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। आप दिवाली पे ज़रूर बनाएं इस तरीके से। इस तरीके से मैं सारी मिठाइयाँ बना लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए कितना बढ़िया हमारा जो पेड़ा है ना, देखिए बन के तैयार है। एक जतिन को मैं टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, जतिन मुझे टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है। जतिन टेस्ट करके बताओ मुझे कैसा बना है, ये लो टेस्ट करके बताओ। बहुत टेस्टी है। क्या टेस्टी है मम्मी, आपको अच्छा लगा? बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं बना के, क्योंकि ये मिठाई सेफ है, आप घर पे ज़रूर बनाना। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, मैदा का पेड़ा। आप भी बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।